क्या कम बनती है क्या? मेरा डिवाइस हीट होने की वजह से वीडियो नहीं बना सकता मैं, इसलिए जिया के मोबाइल से बना रहा हूँ। आगे कार्यक्रम इस वीडियो से यहाँ से चालू होगा। अतुल बारम खीरा जो फ्रेज को बना देता है हीरा। बालम खीरा लेकिन जो लाए नाना लेके आए थे सूख गया है। वो पूरा सूखेगा तभी पीछेगा ना। वो नहीं पीने। इसको पोलियो हो चुका है। इसको पोलियो हो गया खीरे को। ये खीरे का ये कांटे निकले हुए हैं। हाँ कांटे निकले रहते हैं। क्या बता रहे हो कहाँ? ये देखो दिखा ये वाला। अच्छा डेली फलता है क्या? डेली फलता है क्या? छोटा छोटा है वही बड़ा हो जाएगा और क्या। हम ये लो तोड़ लिया तो छोटा छोटा कहाँ है, इतना बड़े बड़े तो तोड़ा उसने। अरे चक्कू लिया भैया नहीं खाएंगे नहीं। अरे बाप रे बाप ये तो बहुत इसका बहुत खराब होता है। मुंह पर लग जाए तो देखो भैया होशियारी से पुराने खिलाड़ी हैं क्रिकेट के मंजे हुए खिलाड़ी। ये वाला कौन सा आम है अतुल? ये आम कौन सा पेड़ का? मिठुआ है यू भैया जब पाका था तब का बड़ा। अरे बाप रे अरे मां का जाली नहीं है। हां यहां खाए न पई है यहां इतना बड़ा यह अतनी बड़े भैया बाढ़ी अतनी बड़ी हुई अतनी मोटी गए रहा तुम। वो भी पतला ही पतला ही है जो तोड़ रहा है, टूट चुके हैं ना। ये देखिए आम लगता है मामला सब रफा दफा है। गिनती के ही खीरे बचे हैं। इनके हाथ में दो चार खीरे मिले हैं। कौन रखाए गए हैं तो बेच देते हैं ना सुबह सुबह तोड़ के। ये तो है तो वहीं पे जहाँ पे तुम हाथ मारे। जी लो मेरी बना लो। वकील साहब ने हमारी वीडियो ख़राब कर दी मिस कॉल मार के। ऐसे चूतिया चूतिया वकील मिल जाते हैं। ये देखिए आपके सामने एक जीता जाता जागता इंसान जिसकी शक्ल जिया से थोड़ी सी मैच करती है। जिया इधर देखो। ये देखिए इधर भी दो इंसान खड़े हैं। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो सब कांड हो गया उल्टा ही। नहीं होते
ये अतुल है, अतुल इधर देखो, ये अतुल है जूमिंग मोड पे, ये खीरों के खेत में है, खीरा तोड़ रहे हैं, मगर लग रहा है खीरों की, खीरों की क्या कहते हैं अभी तैयारी नहीं है, ढूंढना पड़ रहा है। और ये देखिए आप, पिया बसंती रे कह सतारे आजा, जंगल के मजे लेते हुए ये जिया जा रहे हैं खीरों के खेत में, और वो आगे अतुल अतुल जा रहा है खीरों का, खीरों के खेत में ले जा रहा है खीरे खीरे खीरों की स्मगलिंग करने। और ये पिपरमिंट का पेड़ है सब। ये आम है, कुछ दिन में आम तैयार हो जाएंगे तो इसकी स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। कुछ भैया आम आम तोड़ लियो यार। इधर पेपरमेंट ज्यादा है, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ब्लॉग जो है आज भाई ने शूट किया, जिया ने शूट किया, दोनों लोग गए थे बाराबंकी में, गांव पड़ता है वहाँ बकरे के लिए, तो उसे ले आए हैं। अभी आप आगे क्लिप में देखिएगा। और बता रहे थे कि वो गांव बहुत ही जो है ख़ूबसूरत था, और बिल्कुल वहां पर ऑर्गेनिक चीज़ें लगी हुई थी, तो जैसे ही आया वैसे भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो बनी थी घर पे बीफ बिरयानी जो बहुत ही ज़बरदस्त थी, सबका खा करके दिल खुश हो गया। और ये लोग सुबह के निकले थे तो इन लोगों को भी बहुत शदीद वाली भूख लग रही थी, तो ये लोगों ने खाना खाया फिर आराम करने लगे। फिर ये शाम के वक्त किचन के कुछ मसाले जो हैं ख़त्म हो गए थे, तो फिर हमने अपने बड़े वाले बेटे को भेज करके मंगवाया। और आजकल अदरक इतनी महंगी हुई है, 30 रुपए की 100 ग्राम, तो हमने सोचा कि बस लहसुन अदरक का पेस्ट मंगा लेते हैं, वो ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पर जो है दालचीनी की लकड़ी है, लौंग है, इलायची है, छोटी जौत्री है, और जैसा कि आप सबको पता है मैं पिस्ता खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पिस्ता भी मेरा ख़त्म हो रहा था तो जो है पिस्ता मंगाया था। और यही सारी चीज़ें थी, सिर्फ किचन में ही सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी मसाले वगैरह, तो हमने मंगा लिया था। ये मिली है सुल्तान से। है ना, कितना माशाल्लाह 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 बड़ा सा। और जब ये दो टांग उठाकर ऊपर खड़ा होता है तो लगता है कि हाँ 6 फुट का हो गया है माशाल्लाह से, तो बच्चे जो है सारे इसी में लगे हुए। तो बच्चों की वैसे भी समर वेकेशन होने वाले हैं 20 से, तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। और ये जनाब को माशाल्लाह से हर चीज़ पसंद है, इन्होंने चिप्स खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, खुरमे खाए और चॉकलेट बिस्किट खाया, मतलब इन्हें हर एक चीज़ पसंद है, तो बच्चे सब इसी में लगे हुए हैं और इनकी मसरूफियत का सामान ये बन गया है। और ये जो है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर रहना इसको पसंद है। तो आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था जो हमने आपके साथ शेयर किया है, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।